हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम प्रीव्यू करने जा रहे हैं वाइटैलिटी ब्लास्ट की थर्ड टीम जो है हमारी, इसका नाम है योक्शा वाइकिंग्स। इसका नाम है योक्शा वाइकिंग्स। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम रही है ये, इस टूर्नामेंट की काफ़ी रेप्यूटेड फ्रेंचाइज है, या यूँ कहूँ काउंटी है, सॉरी। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कि इस टीम से हमें इस बार क्या उम्मीदें हैं। तो मैं सबसे पहले बात करेंगे स्क्वाड की। पहली 11 जो है, जो पहले 11 प्लेयर है, वो मैंने 11 चुनी है इस टीम की। तो उसमें मेरे पास हैं आपका, मैंने ओपनिंग कराई है एडम लिथ और डेविड मलान से। मुझे लगता है मलान जो है शायद एशेज में नहीं होंगे तो शायद यहाँ खेलेंगे। डेविड मलान और लिथ ओपन दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं। मलान आपको पता ही है, लिथ डोमेस्टिक के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। बहुत मारता है भाई ये बंदा, गंजा है, बहुत मारता है, बॉलिंग भी करता है, विकेट देता है। फिर आपका थर्ड पे टॉम कॉला कैनमोर, ये खिलाड़ी पिछले कुछ समय में डोमेस्टिक का सबसे इम्प्रूव्ड, क्या कहूँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट का सबसे इम्प्रूव्ड प्लेयर है। उसके बाद हैरी ब्रुक, मैंने आपको बोला था आईपीएल में इनका चलना थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो फिर से ये बन जाएगा सचिन तेंदुलकर, खूब रन मारेगा। पांच पे आएंगे आपके शादाब खान, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान में भी डिजर्व करते हैं ये नंबर पांच पे खेलना, और पीएसएल में कितना अच्छे बैटिंग करते हैं आपको पता ही है। नंबर 6 पे रखा है डेविड विली को। डेविड विली यॉर्कशायर से मेरे ख्याल से ओपन भी कर चुके हैं, वन वन डाउन भी खेले हुए, खूब और खूब रन मारे हैं उन्होंने, तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर नंबर 6 के हिसाब से। 7 पे विलफ्रेंड, एक ठीक ठाक प्लेयर जो बहुत तेज तो नहीं पर फिर भी 125 तीर की स्ट्राइक रेट से रन बना लेता है। और 8 पे है जोर्डन थॉम्पसन, माई फेवरेट, ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। बॉलिंग से भी खैर बॉलिंग से मार खा जाते हैं, लेकिन बैटिंग में इनके पास कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है ना कि आपको कभी चाहिए, मान लो 2 ओवर में चाहिए 30-32 रन, तो ये बंदा गेम बना सकता है। लास्ट ईयर जो इनका सेमीफाइनल हुआ था उसमें इस बंदे ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी। 9 पे आदिल रशीद, अब आदिल रशीद भी डोमेस्टिक पे सेंचुरी मार चुका है। अभी तक मैं सिर्फ बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये भी जबरदस्त प्लेयर है। 10 पे आपका हैरिस रॉफ, ये भी बल्ला बजा लेता है। और 11 पे मैंने रखा है मैथ्यू रेविस को, ये सिर्फ बॉलर है वैसे तो। अगर आप स्क्वाड देखें तो इनके पास बैटिंग नंबर 9 तक तो ऐसी है कि भैया आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सब छक्के मार लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हैरिस रॉफ, तो बैटिंग बहुत लंबी है। अब बात करते हैं बॉलिंग की, तो रेविस फास्ट बॉलर, हैरिस रॉफ फास्ट बॉलर, विली फास्ट बॉलर और थॉम्पसन फास्ट बॉलर, यानी कि ये आपको मीडियम पेस या पेस और बॉलर आपको मिल रहे हैं, 4 बॉलिंग ऑप्शन। अब बात करते हैं इनकी स्पिन की, तो इनके पास शादाब खान भी है और इनके पास हैरे सॉरी आदिल रशीद भी है, तो दोनों अपनी कंट्री के लिए खेलने वाले दो जबरदस्त लेग स्पिनर इनके पास हैं, जो रिस्ट स्पिनर हैं, तो बहुत बढ़िया विकेट टेकिंग ऑप्शंस इनके पास मिडिल ऑर्डर में हो गए। अब इनके ऊपर हो सकता है कि ये सोचे कि हम पे आदिल रशीद है तो हम राशिद को सॉरी शादाब खान को बिठा के हम फिन एलन को ओपनिंग करा ले, वो इनका एक चॉइस हो सकता है। आई डोंट नो किसको किसके साथ जाएंगे, मेरे को पता नहीं है, पर मैंने मेरे को ये स्क्वाड जमा। बाकी फिन एलन आपको पता है एक बढ़िया पिक है, अगर खेले तो ये भी खूब मारेंगे। गैरी बैरेंस, अभी इन्होंने इंटरनेशनल में आए थे फिर रिटायरमेंट ले लिया, भगवान जाने क्या मर्जी है इनकी। बेन कोड ठीक ठीक प्लेयर हैं। अब देखो कुछ प्लेयर हैं इनकी टीम में जगह बन सकती है, बाकी की मैं बात नहीं करूंगा। वो लोग हैं जिनको या तो मैंने देखा नहीं है, या कई बार होता है ना आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स के नाम भूल जाते हैं, उनको देख के तब याद आपको आता है। तो मेन प्लेयर जो तो खेल सकते हैं 11 में वो है डोम्बेस, सॉरी मीडियम पेस और क्या बोलो स्पिन ऑफ स्पिन करते हैं ये, और ऑलराउंडर है यानी कि बैटिंग भी अच्छी करते हैं। उसके अलावा जोनाथन टेटरसल, ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, ये शायद आपको खेलते हुए दिख जाए, शायद जगह बन नहीं रही वैसे कहीं से कहीं तक भी। सेम अबाउट मैथ्यू वेट, सेम अबाउट जॉर्ज, इनकी जगह भी टीम में शायद नहीं बनेगी। उसके अलावा लीच, टॉम लीच, ये जो जैक लीच नहीं है तो अलग है, उसके अलावा नहीं मुझे लगता नहीं इसके अलावा किसी की जगह टीम में बनती है। बात करें इनके ग्राउंड की, तो इनका जो ग्राउंड है वो है भैया बैटर्स पैराडाइज, यहाँ पे खूब रन बनते हैं, यहाँ पे कोई स्कोर सेफ नहीं है अनलेस ये लोग इस बार पिच चेंज कर दें। तो मेरा बॉलर से एक ही बात कहना है, ओके खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा गाइज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। फिर भी आपसे ज्वाइन ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आना, सर्च करके बिल्कुल बताना, वरना आप किसी फेक चैनल में पहुंच जाओगे। बात करते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की, जो है हमारा शॉर्ट एनालिसिस।
देखो यॉर्कशायर इस टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीमों में से एक है। मैंने अभी सबका प्रीव्यू नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी इस टीम को देख के लग रहा है कि इस टीम में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही मुझे इस टीम के अंदर। इनके पास मैच विनर हर डिपार्टमेंट में है। पेस में इनके पास विली और हैरिस रॉफ हो गया, स्पिन में इनके पास शादाब और आदिल रशीद हो गया। तो आपको क्या चाहिए, चार बॉलर्स आपको मिल रहे हैं मैच विनर्स। फिर बैटिंग में मैंने आपको दिखाया कि उनके पास नंबर 9 तक सिक्स सीटर्स हैं, रोके खेलने वाले बैट्समैन भी हैं, मिल मलान हो गया, ब्रुक हो गया, बजा के खेलने वाले बैट्समैन भी हैं, लिथ हो गया या आपका कैंडमोर हो गया। तो भैया कोई कमी नहीं है टीम में, ये टीम सेमीफाइनल में खेलनी ही खेलनी चाहिए, पीरियड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।